दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह अपने लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े एक अहम सवाल के साथ आईएनसी टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन उस सवाल पर आने से पहले एक नज़र मध्य प्रदेश के हाल ही के चुनाव से जुड़े कुछ तथ्यों पर। मध्य प्रदेश में मतगणना के दिन जब पोस्टल बैलेट की गणना हो रही थी तब कांग्रेस पार्टी 199 सीटों पर आगे थी। आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, राज्य की कुल 230 सीटों में कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को बैलेट पेपर में बीजेपी से 21% ज्यादा वोट मिले थे। 21%, 2-4% ज्यादा नहीं, पूरे 21%। लेकिन जब अंतिम नतीजे आए तो बीजेपी को कांग्रेस से 9% ज्यादा वोट मिल गए। बैलेट पेपर के गणना में जो कांग्रेस राज्य की कुल 230 सीटों में 199 सीटों पर आगे थी वो अंतिम नतीजे में महज 66 सीट्स पर सिमट कर रह गई। पोस्टल बैलेट की गिनती में केवल 31 सीटों पर आगे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों पर जीत दर्ज करके चैंपियन बन गई। और ये सब चमत्कार कब हुआ? तब जब ईवीएम ने बीजेपी के पक्ष में अपना जलवा दिखाना शुरू किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर गौर फरमाइए। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास नहीं मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोक हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। इस मामले में जबलपुर की 8 सीटों के नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। वहां डाक मतपत्रों की गिनती में कांग्रेस सभी 8 सीटों पर आगे थी, लेकिन अंतिम नतीजे में कांग्रेस के हिस्से महज 1 सीट आई। ईवीएम के इस चमत्कार के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी दल एक सुर से ईवीएम को नमस्कार कर रहे हैं। शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे तमाम दल सवाल उठा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी अनुमान से लेकर आंकड़ों तक में कांग्रेस से पिछड़ रही थी वो अंतिम नतीजे में आखिर कैसे कांग्रेस से मीलों आगे गई, और ये कई घटनाक्रम देखने को हमें मिला। ये सवाल आपके लिए भी है दोस्तों, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा वो सवाल है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। क्या लोकतंत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जादुई ईवीएम के चमत्कार को दूर से नमस्कार कर लेना चाहिए? आपके सवाल के जवाब के इंतजार में मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह, नमस्कार।